बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है प्रिया के बारे में। प्रिया कहाँ रहती है और क्या क्या उसका सब कांड है वो आप सभी को पता चलने वाला है। तो कल का वीडियो मतलब आप लोग देखना ना भूलिएगा। हम लोग के हाथ बहुत बड़ा एक सबूत लगा है मतलब उसको। अरे दोस्तों स्वागत है आप सभी का राधा मोहन ब्लॉग्स में। आई होप दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फिर से आ गए हैं एक बार हम प्रिया लव रोहन के मैटर को लेकर। और आज की वीडियो में कवर करेंगे हम गुड़िया गोरखपुरी के पति जो गायब हो चुके हैं उनके बारे में भी, क्योंकि इस समय सब जैसे कि गोरखपुर में कुछ दिनों पहले खलबली मची, तो इस बार सब पति भाग जा रहे हैं अपने मतलब अपने अपने औरत को छोड़ के भाग जा रहे हैं। और इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए गोरखपुरिया भौजी और उनके पति देव भी वीडियो बना रहे दबा के। तो सोचे हम लोग भी क्यों मौका छोड़े, हम लोग भी इस मौके में मतलब इस बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। लेकिन हम लोग फैक्ट के साथ बात करेंगे, ये नहीं कि मतलब सिर्फ व्यूज पाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। और कुछ मतलब महाभक्त और महाज्ञानी लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कल आकर मतलब अपना ज्ञान देके गए थे कि तुम लोग भी मतलब अपना नहीं देखते हो दूसरे के बारे में। तो जो लोग कमेंट किए थे उनके लिए खास करके ये इतनी टॉपिक है कि मतलब लगता है तुम उनके चमचे या रिश्तेदार लगते हो, तो जाओ पहले उनका सपोर्ट करो, जाओ रोहन को समझाओ कि प्रिया को मतलब सही से रखे, नहीं तो अपने घर ला के रख लो, आप हेल्प कर दो। कमेंट करने से अच्छा जाके हेल्प करोगे तो आपका नाम होगा दूसरे के वीडियो के नीचे। कमेंट आके अगर बकचोदी वाला करना है तो अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाए। जब आप लोग मतलब पूरा वीडियो देखे डिस्कस करें मतलब कि क्या सही है क्या गलत, तभी कमेंट करना, वरना वीडियो मत देखो आप लोग चले जाओ। हमको बोलती हैं तुम भी रोकर वीडियो बना, तो हम रोते हैं सबकी तरह, हम झूठे हैं। जो हमारा हकीकत रहता है ना, अपना हकीकत बताते बताते हम आप लोग को बताते हैं ना, हम रोना नहीं चाहते, लेकिन जो अपनी सच्चाई आप लोग को बताने लगते हैं ना, तो अपने आप से मेरी आंख से आंसू आ जाता है। और हम इसकी तरह नहीं कि झूठा बोल रहे हैं। इसी लहर में जो चैनल वायरल नहीं हो रहे थे वो चैनल वायरल हो गए, जिसके 2000 व्यूज नहीं जाते थे, आज चैनल पे 50,000 व्यूज जा रहे, इसी कारण मतलब यही मैटर जो फैला उसकी वजह से। और गोरखपुरिया भौजी भी मतलब 2 दिनों से लगातार रोहन के और प्रिया के ऊपर वीडियो बना रही है। तो क्या भी वो भी व्यूज के लिए बना रही है कि वो भी सच्चाई दिखाना चाहती है? मतलब हम लोग तो एक बार पहले और बनाए थे, उसके बाद छोड़ दिए, सोचे क्या करे लोग का नाटक, लेकिन इस बार मतलब ये लोग को बंद करना ही पड़ेगा, ये नौटंकी ये है इनका लास्ट है। क्योंकि बार बार ये लोग मतलब लव मैरिज कपल्स को एकदम बदनाम करके रख दे रहे। अगर अचानक संजोग से कभी किसी लव मैरिज कपल को मतलब सोशल मीडिया से हेल्प लेना पड़ गया तो आप जैसे मतलब इन जैसे लोगों की वजह से हेल्प नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सभी लोग सोचेंगे कि बोलेंगे मतलब ये लोग सच में झूठ बोल रहे हैं। इसी कारनामे की वजह से अगर रियल में किसी के घर मतलब कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो सोशल मीडिया के माध्यम से कोई हेल्प मांग सकता है, ऐसा लगता है, मतलब हेल्प कर भी सकते हैं। तो लोग इसी मतलब अफवाह की वजह से कोई किसी का हेल्प नहीं करना चाहता। अब सब सोचते हैं कि सब लोग अमीर है लेकिन गरीबी का नाटक दिखाते, तो हम लोग नहीं है। और रोहन जो है वो देख सकते हैं, वो अपना वीडियो आईफोन से शूट करता है, उसके पास आईफोन है और प्रिया है, वो दो दो मोबाइल चला रही है मतलब, और बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, एक मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करेगी दूसरे मोबाइल से आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगी, दो दो मोबाइल चलाएगी ऊपर। अभी बोल रही क्या मैं अकेले दोस्तों, ऐसा नहीं, एक औरत एक छोटे बच्चे को लेकर अकेला अपना जिंदगी कभी नहीं बिता सकती, और वो किसी से मदद नहीं लेना। जो गोरखपुरी हो जी तो उसको मदद बोल रही है मैं अपने दम पे करूंगी ये करूंगी, तो आप लोग खुद समझिए जो किसी का मदद नहीं लेना चाह रहा है वो इसका मतलब नाटक कर रहा है, सच्चाई सामने आ जाएगी अगर वो जाए। मैं खुद आऊंगी तुम्हारे पास। आज गोरखपुरिया बहुत ही लाइव आने वाली है रात को 8 बजे, तो बोली है प्रिया और रोहन को कि लाइव में जुड़ना, तो देखते हैं वो लोग लाइव में जुड़ेंगे तो समझिए कुछ मतलब निष्कर्ष वहां से निकलेगा, नहीं जुड़ेंगे लाइव में तो दोनों लोग फेक है सरासर, मतलब ये सब नौटंकीबाजी चल रही है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं मतलब हम लोग को गलत बता रहे हैं, उनकी अलग ही भावना है। और गुड़िया गोरखपुरी की बात करें जो कि इस समय मतलब पहले 5 दिन से गायब हुआ, हम मालूम नहीं गायब हो गया क्या हो गया, मुझे ये सब पता नहीं, ये सब अलग का ढिंढोरा होता है, गायब हो गया क्या हो गया पता नहीं। मतलब इतने अनपढ़ लोग हैं कि घर से गायब हो जा रहे, या फिर मतलब उतने ही दूर में घूम घूम के होंगे, कहीं नात रिश्तेदार में गए होंगे, मतलब 5-5 दिन आदमी कहाँ गुजर लेगा, किसके घर खाएगा पिएगा क्या करेगा समझ में नहीं आता। एक दिन अगर आदमी को खाना ना सही से मिले तो मुंह चेहरा सब झुरा जाता है। और 5 दिन के बाद हम भी मतलब जब छोटे थे बच्चे थे तो एक बार घर से भागे थे मतलब मम्मी के मारने, हमारे सब अकल ठिकाने आ गई थी, एक दिन में वापस घर पे यहाँ आना पड़ा। तो ये लोग 5-5 दिन घर से गायब हो जा रहे हैं और यहाँ पे इनकी वाइफ वीडियो बना बना के मतलब वाइफ और माँ सब लोग वीडियो बना रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, क्या कोई कहीं नहीं गया होगा कहीं रिश्तेदार। और महादेव कह रहे हैं गोरखपुरिया भौजी के जो हस्बैंड है वो कह रहे हैं कि सब लोग हमारे पास आओ, सबके पति को हम भगाए, तो जाइए सब लोग उनसे हेल्प मांगिए। और क्या बोले सोल्यूशन की वीडियो बनाना बंद करो तो तुम्हारे हस्बैंड वापस घर पे आ जाएंगे। तो इसमें भी थोड़ा बहुत सच्चाई मतलब 50% सच है 50% गलत है, मतलब वीडियो नहीं बनाएंगे तो व्यूज नहीं जाएगा, तो उनके हस्बैंड देखेंगे कि मतलब व्यूज वीडियो हमारी वाइफ हमारी वीडियो नहीं बना रही है तो चलो घर पे चलते हैं, वीडियो बनाते हुए देखते हैं था वाइफ हमारी खोज मतलब
हमारे बारे में जांच तो पड़ताल जादू यार। दोस्तों सभी लोग जितने भी लोग हैं, 5-5 दिन हो गया घर से गायब हो जाते हैं आदमी, लेकिन पुलिस कंप्लेन, मतलब पुलिस कंप्लेन नहीं होता है, मोबाइल नहीं लेकर जाते हैं दिखावटे के लिए। कोई पुलिस कंप्लेन भी कर देता तो उसके आगे कार्रवाई नहीं होती, ऐसा थोड़ी। और यहाँ पे अभी गांव, मतलब गांव में क्यों किसी घर पे थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, फटाक से 100 नंबर पे फोन लगाएंगे, सर ने देखी, मतलब हमारे घर से झगड़ा हो गया और जो 100 नंबर पहुंचती है तुरंत, और इतना बड़ा मैटर हो गया, पति गायब हो जाता है, न कहीं फोन न पाती, अगर वीडियो भी बना रहे तो FIR कराने गए तो उसका भी तो वीडियो बनना चाहिए। अब यही सब बातें हैं, अब क्या बताए क्या नए समय में आता है। गोरखपुर में यही है कि किसी के पति, गोरखपुर में दो लोग के पति गायब हुए ना, वो क्या नीतू निशा, उसका भी पति गायब, वो भी बेचारी जाके मजदूरी कर रही है, मजदूरी कर रही है, क्या कर रही है, वीडियो बना बना के सब दिखा रहे। हम तो राधा जी को बोले कर कि हम फिर से भग जाते हैं और तुम चलो हमारा संति, मतलब कंपनी में हमारी मशीन चलाओ और बोलो कि हमारे पति भग गए, शायद हमारा भी इस पर वीडियो मतलब वायरल हो जाए, है कि नहीं। ये ट्रिक वो काफी अच्छा लग रहा है, ये हमसे एक दिन दूर रह जाए ना, अगर दिन भर कहीं पर रहे, रात को अगर नहीं है ना तो हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 3 साल हो गया, 3 साल में अभी हम इनके बिना एक रात नहीं गुजारी, एक रात पूरा दिन नहीं गुजारे, कहीं जाते हैं तो साथ में जाते हैं, घूमने साथ में आते हैं, क्योंकि ये सकाती है ना कि मतलब कहीं दूसरे से पट न जाए। दोस्तों सकाते नहीं है, कसम से सकाते, देखिए कान पकड़े, अरे उधर से तो अच्छा नहीं लगता है हमको इनके बिना। और कल एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है प्रिया के बारे में, प्रिया कहाँ रहती है और क्या क्या उसका सब कांड है वो आप सभी को पता चलने वाला है। तो कल का वीडियो मतलब आप लोग देखना ना भूलिएगा, हम लोग के हाथ बहुत बड़ा एक सबूत लगा है, मतलब उसको आज हम लोग डिस्क्लोज करने वाले थे लेकिन नहीं किए, सोचे कल मतलब हमारी छुट्टी होगी तो आराम से पूरा परफेक्टली बात करेंगे, मतलब आप सभी को दिखाएंगे, वो है ऑनलाइन, मतलब डायरेक्ट आप सभी को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे हम लोग की क्या बात है क्या नहीं। तो उसे जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, कल उसका पोल खुलने वाला है पूरा काला चिट्ठा कि वो कहाँ भाग के रहती है, कहाँ जाती है, उसका क्या क्या है। और रोहन के बारे में तो नहीं पता चला लेकिन प्रिया के बारे में बहुत कुछ पता चला है, तो सब आप सभी के बीच लाने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अगर आपको सच्चाई जाननी हो तो, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते, ज्यादा बात नहीं करेंगे इनके बारे में, कल सच्चाई आप सभी को मिलेगा, उसके बाद हो सकता है इसका डी एंड ही हो जाए, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। और बहुत बड़ा खुलासा है प्रिया के बारे में, आप सभी को यूट्यूब पे कहीं नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा, तो कल वाला वीडियो देखना नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए और कल वाले वीडियो के साथ, वीडियो को सब्सक्राइब और सॉरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए कल का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।